हेलो फ्रेंड्स, जीनियस इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एडोब फोटोशॉप की मदद से जो हमारे फोटोज होते हैं उसमें जो बालों का कलर होता है उसको हम कैसे चेंज करते हैं, आंखों का कलर कैसे चेंज करते हैं, या लिपस्टिक वगैरह कैसे लगाते हैं, जो लेडीज़ फ़ोटो होती हैं, जो गर्ल्स की फ़ोटो होती हैं उनमें हम ये सारी चेंजिंग कैसे करते हैं, तो फ्रेंड्स देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी फोटोज में बालों का कलर चेंज करना है या आई जो इसमें कलर होता है ये इसका कलर चेंज करना है, ये जो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिख रहती हैं इसका भी कलर चेंज करना है, तो आप आसानी से चेंज कर सकते हैं, या लिपस्टिक वगैरह का कलर भी आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। जो गर्ल्स होते हैं अधिकतर उनमें ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो फ्रेंड्स, क्या करना है, सबसे पहले आपको इस फोटोज में जो बाल हैं और हेयर हैं उनको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर टूल पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये जो टूल दिया गया है, यहाँ पर पॉलीगोनल टूल होता है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये टूल आ जाएगा आपके सामने। और आपको फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करना है, कम से कम 10 कर देना, और यहाँ पर आपका कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक होना चाहिए, ऐड टू सिलेक्शन वाले पे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ से सिलेक्शन को स्टार्ट कर देना है। मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। आपको जितने अच्छे से आप सिलेक्ट करेंगे उतने अच्छे से आपकी फोटोज का जो भी बालों का कलर है वो अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स मैं पहले इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और ये जो मैं ऊपर बढ़ा रहा हूँ या नीचे कर रहा हूँ ये क्या है, फोटोज को वो हम कीबोर्ड की मदद से, यानी कि स्पेस अपने कीबोर्ड में जो बड़ा बटन होता है सबसे नीचे वो उसको प्रेस कर रहे रहता हूँ, और अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके ऊपर नीचे की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें अच्छे से सेलेक्ट कर लेनी है। मैं यहाँ पे सारे बालों को क्या कर लेता हूँ, सभी जितने भी हेयर स्टाइल हैं इनके पूरी हेयर स्टाइल को अच्छे से सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको जितनी अच्छे से जितनी फास्ट, कोई ज़रूरी नहीं कि आप फास्ट काम करिए, आप स्लो स्लो भी काम कर सकते हैं। आप अच्छे से एकदम अच्छे से इसको सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको ऐसे ही सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे टेम्परेरी जल्दी जल्दी सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको फ्रेंड्स अच्छे से सेलेक्ट करना है ताकि आप अच्छे से बना सकें। मैं यहाँ पे आपको बताने के लिए जल्दी जल्दी वर्क कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लिया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि ऐसी भी वीडियो जब भी हम डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सबसे पहले इनके जो स्टाइल है उसको क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, अब आपका पूरा पोर्शन जो है वो सेलेक्ट हो चुका है। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका ये तो आपकी पूरी फोटो जो हो गई वो सेलेक्ट हो गई। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है, ये तो हमारा बाहर का पूरा पोर्शन सेलेक्ट हो गया, अभी हमें फेस को भी अलग करना है, यानी कि फेस जो हमारे हैं इसमें से इसको निकालना है, यानी कि यहीं नहीं तो अगर हम चेंजिंग करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये पूरे फेस पर भी अप्लाई हो जाएगा। तो इसके लिए हमें फिर से यहीं पे आना है, और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया रहता है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर ये क्या होता है, ये होता है सबट्रैक्ट फॉर्म सेक्शन, यानी कि इससे हम जो हमारा सिलेक्शन होता है उसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करके इसको अपने हिसाब से सेलेक्ट करके इसको आप अच्छे से सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद ये मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद इसको क्या करना है, एंटर की दबा देनी है। उसके बाद फ्रेंड्स ये आपकी जो हेयर स्टाइल है वो क्या हो गई, आपकी सेलेक्ट हो चुकी है। मैं यहाँ पे जूम आउट करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, सारी चीज़ें हमारी सेलेक्ट हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इमेज में जाना है, एडजस्टमेंट में जाना है, और यहाँ सबसे नीचे ऑप्शन दिया रहता है वेरिएशन, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ आपके सामने दो पिक्चर आ जाती हैं, यानी कि एक तो ओरिजिनल पिक्चर होगी और ये आपकी करंट पिक्चर होगी, यानी कि जो भी आप इसमें चेंजिंग करेंगे। तो सबसे पहले आप ओरिजिनल पिक्चर पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जैसे भी आपको यहाँ पर जो कलर आपको चाहिए वो कलर आप आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कोई भी एक
कलर्स में चूज कर लिया, चलिए यही कलर चूज कर लेता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है और कंट्रोल के साथ डी दबा देना है। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ डी दबाते हैं तो ये देखिए आपकी फ्रेंड्स जो भी फोटोज थी उसके बालों का कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है, ये देखिए। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इतना कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब इसी से संबंधित हमें सारी चीज़ें एक्टिविटी करनी है। जैसे यहाँ पे इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं, ये जो हमारी आई जो होती हैं इसका भी हम कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। उसके लिए फ्रेंड्स हमें क्या करना है, सेम टू सेम वही चीज़ें करनी है। फोटोज़ को थोड़ा सा जूम कर लेना है और यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो सेलेक्ट करने के लिए आपको ना वही सेम टू सेम यहीं पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और यही कॉपी वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ से दोबारा से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स इधर का भी क्या कर लेना है, आपको पोर्शन सेलेक्ट कर लेना है। मैं इधर का भी पोर्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इतना सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इसका भी अगर कलर चेंज करना है तो आप आसानी से इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं और इसका भी कलर थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ और इधर की भी आई को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब फ्रेंड्स क्या करना है आपको, फिर वही सेम टू सेम आपको कहाँ जाना है, इमेज में जाना है। इमेज में जाने के बाद एडजस्टमेंट में जाना है और सबसे नीचे आपका ऑप्शन दिया रहता है वेरिएशन, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ऑटोमेटिक देखिए ये आपकी ओरिजिनल पिक्चर और ये करंट पिक्चर, यानी कि जो आपने पहले अप्लाई किया था वही कलर बाई डिफॉल्ट इसमें आ जाता है। और आपको सिंपली क्या करना है, ओके बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करते हैं तो ये सामने आप देखिए कंट्रोल के साथ डी दबा दीजिए तो इससे डी सिलेक्ट हो जाएगा और जो भी आपने बालों का कलर लगाया था वही कलर इसमें भी अप्लाई हो चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, यहाँ पर जो लिप्स होती हैं इनका होठों का कलर जो होता है उसको भी हमें चेंज करना है। तो हमें क्या करना है, इसके लिए भी हमें सिलेक्शन बहुत जरूरी है और यहाँ पर क्लिक करके इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। पॉलीगोनल लेजर टूल की मदद से इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स हमें यहाँ से पूरा सेलेक्ट कर लेना है। फ्रेंड्स ध्यान रखना है कि आपको जो टीथ होते हैं दांत होते हैं इनका सेलेक्ट नहीं करना है, नहीं तो उस पर भी कलर अप्लाई हो जाएगा। और इसको ऐसे आसानी से पूरा सेलेक्ट कर लेना है और अपने कीबोर्ड से एंटर की दबा देनी है। जैसे ही आप एंटर की दबाते हैं ये आपका सिलेक्शन हो जाता है। आपको फिर से इमेज में जाना है, एडजस्टमेंट में जाना है और यहाँ पे वेरिएशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए आपकी ऑटोमेटिक कलर आ चुका है और यहाँ पर ओके कर देंगे तो ये कलर अप्लाई हो जाएगा। आप कंट्रोल डी कर देंगे, ये कलर आपका अप्लाई हो चुका है। तो फ्रेंड्स देखा इसमें कितना आसानी से आपने ये जो कलर होते हैं उसको आप आसानी से कैसे चेंज कर सकते हैं, किसी भी फोटो में जो हेयर स्टाइल होती है उसको आप कैसे भी चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो जब भी हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।